नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो आई एम हैप्पी टू अनाउंस यू दैट हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स इंस्टॉलेशन ऑफ 4G नेटवर्क टावर एट खातन सर्कल एंड सुमसिंग विलेज फाइनली आखिरकार हम लोग जिस तरीके से डिमांड किया जैसे चाहता था ऐसे रिजोल्यूशन में आ गया। सो एज यू ऑल नो दैट वी गेको खातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम इन कोलेबोरेशन विद ऑल स्टूडेंट यूनियंस ऑफ ऑल विलेजेस अंडर खातन सर्कल एंड मोपम सर्कल एंड गेको सर्कल, जिस जगह पे जिस विलेज पे नेटवर्क नहीं है सभी विलेजेस का तरफ से हम लोग कोलाबरेट होके ये मुद्दा को बहुत महीना से उठाया। हम लोग रैली किया ऑफिशियल वर्क का थ्रू, रिटेन का थ्रू, एप्लीकेशन का थ्रू बहुत कोशिश किया, सेक्रेटरेट लेवल तक गया। और सबसे बड़ा बात, लास्ट ब्लॉक में आपने देखा हम लोग 45 किलोमीटर पुट मार्च रैली गेकू टू यिंकियोंग कंडक्ट किया। उसमें भी नहीं हुआ, इतना पीसफुल होने के बाद नहीं होने के बावजूद हम लोग अल्टीमेटली 12 आवर बर्न कॉल डिक्लेयर करना पड़ा। वो डेट था 30 जून 2023। लेकिन वो डिक्लेयर होने के बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और हमारा जो ऑनरेबल MLA का तरफ से मीटिंग बुलाया, वो मीटिंग बुलाने के बाद फाइनली रिजोल्यूशन में आ गया। दिस इज मीटिंग माइन्यूट्स। तो मीटिंग माइन्यूट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मेरी रीड आउट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरिफाई हो सके आखिरकार हम लोग क्यों बर्न कॉल को कॉल ऑफ किया और क्यों फाइनली हम लोग जिस तरीके से जैसे डिमांड किया वो कैसे मान गया और क्यों मान गया। ए मीटिंग वॉज टेकन विद गेको खातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विलेजेस लेवल एसोसिएशन ऑफ खातन सर्कल एंड सुमसिंग विलेज, फादू विलेज एंड सिली विलेज ऑन 27 जून 2023। तो सबसे पहले आप वन नंबर में देख सकता है द गेको खातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम एंड इट्स associate will call off the proposed 12 hour bun call on 30 June 2023. The SDOT BSNL Yingkiong informed that land acquisition for tower construction work is completed at Sumsing, Padu, Jeru and Sili. A hard copy of the land acquisition document to be furnished to the president of Gekko Khatan Intellectual Youth Forum. SDOT BSNL कंपनी का तरफ से जो लैंड एक्विजिशन का जो सर्टिफिकेट है हम लोग को वो प्रूफ दिखाया और उसका बाद सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट ऑफ टावर साइट एट सिली, पादू एंड जेरू हैज बीन सबमिटेड बाय द BSNL अथॉरिटीज टू द प्रेसिडेंट गेको खातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम। सोइल टेस्टिंग ऑफ टावर साइट एट द सुमसिंग टू बी कंप्लीटेड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023। BSNL एजेंसी का तरफ से विद इन जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर में हम लोग को रिपोर्ट का फाइनल दिखाना पड़ेगा और दिखाएगा बोल के उन लोगों का तरफ से वादा किया। फोर्ड में देख सकता है द एग्जिस्टिंग 2G BSNL टावर। जैसे कि आप सभी को पता है खातन टाउन में ऑलरेडी 2G एग्जिस्ट है लेकिन इंटरनेट नहीं है, तो इसीलिए अभी 2G से 4G अपग्रेड करने का उन लोग वादा किया विद इन 1 month बाय BSNL अथॉरिटी। BSNL अथॉरिटी का तरफ से विद इन 1 month का अंदर में अपडेट करने का वादा किया 2G to 4G। तो अगर नहीं करेगा तो इसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबल BSNL कंपनी का तरफ से होगा। और 6 नंबर पॉइंट पे आप देख सकता है लोकल मॉनिटरिंग कमिटी विल बी कंस्टिट्यूट टू द मॉनिटर द टावर इरेक्शन वर्क। द BSNL एंड इट्स कॉन्ट्रैक्टर शैल अपडेट द पीरियोडिकल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क टू दी कमिटी। जैसे कि हम लोग कमिटी सेलेक्ट किया कि जितना हर महीना हर हफ्ता अगर कुछ भी इंस का काम होता है तो उसको हम लोग को जो कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से और BSNL कंपनी एजेंसी का तरफ से हम लोग को अपडेट देना पड़ेगा। नहीं देगा तो उसका सेल रिस्पॉन्सिबल BSNL खुद कंपनी होगा। तो फाइनली आखिरकार ये सब रिजोल्यूशन में आने का बाद ही हम लोग बन कॉल को कॉल ऑफ करना पड़ा और हमारे लिए ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि विद इन 1 month का अंदर में वर्क प्रोग्रेस होगा और टिल दिसंबर 2023 का अंदर तक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो हम लोग फिर से ये मुद्दा हो जाएगा, ये आखिर लास्ट में हम लोग डेमोक्रेटिक मोमेंट भी कर सकते हैं और लास्ट में अल्टीमेटली हम लोग बन कॉल भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और BSNL कंपनी का तरफ से माइन्यूट्स में आने का बाद वो हम लोग सहमत होने का बाद कंजिकेटिवली 28 जून 2023 को हम लोग को जो हमारा ऑनरेबल MLA सर
श्री कांगोंग टाकू जी ने हम लोग को पासीघाट गेस्ट हाउस में हम लोग को मीटिंग इनवाइट किया। तो हम लोग वहाँ पे गया और हम लोग सर को मेमोरेंडम सबमिट किया। तो मेमोरेंडम अभी आप स्क्रीन में देख सकता है। हम लोग जितना मेमोरेंडम सबमिट किया सबको वो फुलफिल करेगा बोल के माना, इसीलिए हम लोग आखिरकार फाइनली बनकोल को कॉल अप करना पड़ा है। सो लास्टली मेरा जितना भी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, आप सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी ने इतने सपोर्ट किया कि हमारा जितना वीडियोस रिगार्डिंग नेटवर्क का रिगार्डिंग आप लोग इतना शेयर किया। ऐसे ही आप लोगों का जो सपोर्ट हमें बहुत आगे लेकर गया। आप लोगों का सपोर्ट का बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता। आप लोगों का कारण ही ये गवर्नमेंट तक पहुँच गया, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का खानों कान तक पहुँच पाया। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और आगे नेटवर्क रिगार्डिंग में आपको अपडेट करता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड विथ मी। Thank you so much. Bye everyone.